आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण को जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी चोरी के मामले में हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 1,33,00,000 रुपए की बकाया स्टैंप ड्यूटी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने शांति भूषण को 1 महीने के अंदर अंदर बकाया पैसा जमा करने के लिए कहा। हालांकि अदालत ने स्टैंप कोर्ट के शांति भूषण पर लगाए गए 27,00,000 रुपए के जुर्माने को माफ कर दिया। शांति भूषण ने इलाहाबाद के स्टैंप कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। शांति भूषण ने सिविल लाइन्स के बंगला नंबर 77/29 को 1,00,000 रुपए में खरीदा था, जबकि कलेक्टर के निर्धारित मिनिमम सर्किल रेट के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए थी। एग्रीमेंट और बैनामे पर शांति भूषण ने सिर्फ 46,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी अदा की थी। सर्किल रेट के मुताबिक इस जमीन को खरीदने पर 1,33,54,600 रुपए की स्टैंप ड्यूटी जमा की जानी चाहिए थी।